पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आंगन अपनों का। अंदर जगह कितनी रोमांटिक है ना? रोमांटिक? हाँ, बहुत रोमांटिक है, बहुत रोमांटिक है तनु। तनु अगर तुम्हारा मूड बदल रहा है तो मैं अंदर बुकिंग करवा दूँ। कुछ भी बातें कर रहे हो तुम, हम यहाँ पे पल्लव और आकाश की बात कर रहे हैं। सोचो वो दोनों यहाँ अंदर इतनी अच्छी जगह में बैठेंगे तो पक्का बात करेंगे। पक्का बात करेंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे और फिर मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ बुकिंग करवा दूंगा। क्या ख्याल है राकेश? यहाँ फोकस करो तुम। ओह, मेरी मीटिंग है, मुझे जाना होगा। तुम पापा को फोन लगाओ ना, पूछो उनसे कि क्या सीन है। ठीक है मैं करती हूँ। चलो। जी अपर्णा जी, आपने आकाश को घर से भेज तो नहीं दिया? एक्चुअली पल्लवी कैफे चली गई और हमें पता भी नहीं चला। बहन जी, मेरा प्लान भी फेल हो गया। आकाश, कहाँ जा रहे हो? पापा जी, वो इंटरव्यू के लिए। पर मुझे ऐसा लगा था कि तुमने मन बना लिया था सुरेश जी के साथ दुकान में बैठने का। जी पापा, मन तो बना लिया, लेकिन पापा ने बोला कि साथ साथ जॉब के लिए भी ट्राई करता रहा, तो बस इसलिए। अच्छा, आप बताइए, आपको कुछ काम था? नहीं, कुछ ऐसे खास काम नहीं। तुम जाओ इंटरव्यू के लिए, जाओ, वो जरूरी है। जी, ठीक है। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटे। थैंक यू। सारा प्लान चौपट हो गया। कोई बात नहीं अंकल जी, हम कुछ और प्लान कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। हाँ मोंटी, मैं पहुंच गई हूँ, तू कहाँ है? यार तू प्लीज इन्वेस्टर मीटिंग हैंडल कर लेगी, मैं थोड़ा फंस गया हूँ। हाँ वो तो कर लूंगी, लेकिन क्या हुआ, कहाँ फंस गया है तू? यार एक इवेंट के लिए अर्जेंट मीटिंग आ गई सेम टाइम पर। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सब हैंडल कर लूंगी, तू बस ध्यान रख, ठीक है? ऑल द बेस्ट। मैम, आई एम हियर फॉर द इंटरव्यू। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। सौरभ कैसे है भाई? मैं ठीक हूँ यार। बढ़िया। थैंक यू सो मच यार, ये सब अरेंज करने के लिए। अरे यार क्या बोल रहा है यार, और ये बहुत सही जगह है, यहाँ हो जाएगा, बिकॉज़ तेरे पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ। बस एमडी के साथ एक मीटिंग और समझ हो गया। थैंक्स भाई, थैंक्स अ लॉट। अच्छा मुझे ना काम है छोटा सा, तो मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, नो वरीज, सी यू भाई, बाय बाय। हेलो। हेलो, have a seat. Sure. Betty. बस ये जॉब लग जाए, सब ठीक हो जाएगा। तो सर ये पूरा आपका पूरा थॉट सिर्फ क्लाउड किचन के अराउंड है। कर रही हूँ, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, अगर बिजनेस करना है तो एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है, अभी तो बिजनेस होगा क्यों? I'm sorry.
शॉर्ट टेंपर हैं आप। आपने कभी बिजनेस नहीं किया क्या? आप जानती हैं मेरे साथ काम करने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं, और आप ध्यान से देख लीजिए, मैं उस लाइन का हिस्सा नहीं, और मैं अपना काम बहुत अच्छे से जानती हूँ। वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। मिस्टर आकाश अवस्थी, यू कैन गो इन। अगर आपको जान पहचान बना के बिजनेस करना है ना, तो उस लाइन में से किसी को बुला लीजिए। नाउ मूव, हटिए प्लीज। Really sorry sir, one second just. बुरा मान नहीं। पल्लवी, पल्लवी क्या हुआ, तुम्हें कहाँ हो? I'm sorry sir, my wife, extremely sorry. हेलो मोंटी, मोंटी पल्लवी कहाँ है? मोंटी जल्दी बता, शिव सिंह ट्रबल, उसका फोन आया था। पल्लवी इन्वेस्टर से मिलने गई है, मैं एड्रेस भेजता हूँ। हाँ जल्दी भेज प्लीज। मैं और तुम इस ऑफिस में सिर्फ हम दोनों हैं। Please, I really like your perfume. छोड़ो मुझे! You dare come close to me? दूर रहो मुझसे! मिस्टर, कौन है तुम? गेट आउट फ्रॉम हियर। कौन हूं मैं? बताऊं कौन हूं? बात कैसे लगाए तूने से? हिम्मत कैसे? तेरा भक्कड़। अरे तुम कैसे आ सकती हो यहाँ? मैं लोगों की समझ नहीं है क्या? उनकी परख नहीं है? ऐसे लोगों से तो फोन पे बात करके समझ में आ जाती है, तुम अकेले क्यों है यहाँ? क्योंकि मैं अकेली हूँ आकाश, और आजकल लोगों को समझने के मामले में थोड़ी अनलकी हो गई। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो कहा था ना आप मेरी जिंदगी से चले जाओ, मैं चली गई तुम्हारी लाइफ से। अब क्यों आए हो तुम यहाँ पे? तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हुई आकाश? बोलो बोलो। उसे cause you what? Because I पल्लो, पल्लो तू ठीक तो है ना? क्या हुआ? मोंटी का फोन आया था, उसने कहा कुछ तो गड़बड़ है, क्या हुआ बता ना। पल्लो, पल्लो क्या हुआ? ठीक है तू? मैं ठीक हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा? आकाश, आकाश। आकाश ने ही मुझे बचाया है। मतलब? आकाश, भाई बात हो सकती है तुझसे? कि जो मेरे पास बात करने के लिए या कहने के लिए कुछ नहीं है। घर चलते। हेलो सौरभ,
सर सॉरी यार, वो इंटरव्यू बीच में छोड़ के आना पड़ा, फैमिली में कुछ इमरजेंसी काम आ गया था। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।